हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैस एंड आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल थॉट। एज यू नो मोर यू ग्रो मोर, जितना ज्यादा आप जानते जाते हैं उतने ही आपकी ग्रोथ भी होती जाती है। एक ये कुछ मुझे बहुत अच्छा सा थॉट लगा कि जैसे जैसे आप अज्ञानता से दूर हो जाते जाएंगे वैसे वैसे आप ग्रो करते जाएंगे। एंड टुडे इटसेल्फ नॉलेज इज अ वेरी पावरफुल वेपन। तो चलिए फिर आप वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज का जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने पूछा था एक वीडियो में माई सेल्फ या फिर इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने पूछा था कि शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाए थे कि शुड आई से थैंक यू सॉरी और समथिंग एल्स, तो उस वाले वीडियो का ही आंसर है कि शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे भूषण रोजा जी ने भी आंसर दिया और राजेंद्र जी ने भी आंसर दिया, तो उनका मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। आप लोग जिस तरह से रिस्पॉन्सेज दे रहे हो तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। तो शिफ्ट का मीनिंग जो होता है ना, मैं आपको बता देती हूँ, जो आप लोगों ने बताया वो एकदम सही है, जहाज में सामान को रखने के लिए। लेकिन वैसे इसका अर्थ जो होता है ना वो एक बहुत अच्छा अर्थ है। इसका मतलब होता है कि एक किसी खूबसूरत से नए रिश्ते में बंधना। आप किसी नए रिश्ते में टाई हो रहे हो या किसी के साथ में आपके जीवन में कोई आपका जीवन साथी, आप उसके साथ किसी नए रिश्ते में बंधने जा रहे हो या बंध चुके हो, तो उसके लिए शिफ्ट वर्ड का यूज होता है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा, माउंटेन, बॉटल, सिस्टर, मेड सर्वेंट, अर्थ, चेयर, पेंसिल, ब्लैकबोर्ड, शेफर्ड, कार, ये सब क्या है। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन्स, टेल दे आर इन विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये मस्कुलाइन है, मस्कुलाइन या फेमिनाइन है, न्यूटर है या फिर कॉमन है। N for neuter, C for common. तो चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये कुछ आपके सामने स्क्रीन पे 10 के आसपास नाउंस दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा फेमिनाइन है, कौन सा न्यूटर है, कौन सा मस्कुलाइन है। चलिए हम एक बार अंदाजा लगा लेते हैं। माउंटेन, पहाड़, देखो सामने हिमालय खड़ा, हिमालय खड़ा, यानी कि हो गया ये मस्कुलाइन या मस्कुलीन। बोटल यानी बोटल से पानी पी लो या फिर बोटल रखी है, तो बोटल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फेमिनाइन। सिस्टर, एज यू नो फेमिनाइन, फेमिना या फेमिनाइन, ठीक है। मेड सर्वेंट जो है आपका पुरुष होता है। मेड, आपकी जो कोई भी मेड होगी या आपके जो मेड या सर्वेंट, उसके लिए आप किसका यूज करेंगे। अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी माँ है हमारी, अर्थ है, वो फेमिनाइन में आएगी। चेयर एक ऑब्जेक्ट है, ये किसमें आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं चेयर आएगा न्यूटर में। पेंसिल भी ऑब्जेक्ट है न्यूटर में। ब्लैकबोर्ड ऑब्वियसली न्यूटर में आएगा। शेफर्ड मतलब जो भेड़ों को चराने वाला वो चरवाहा होता है उसको शेफर्ड बोलते हैं, वो भी मस्कुलाइन जेंडर में। कार एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट किसमें आएगी, न्यूटर जेंडर में। चलिए फिर हम एक बार इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। एकदम शॉर्ट ब्रीफ वे में हम नाउन जेंडर्स पढ़ने जा रहे हैं। जनरली हमें स्कूल्स वगैरह में दो ही बताते हैं, मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ चार जेंडर्स के बारे में। फर्स्ट है मस्कुलाइन जेंडर, सेकेंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। हम बात कर लेते हैं मस्कुलाइन जेंडर की, जो डिनोट करता है मेल कैटेगरी को या फिर मेल्स को, जो कंप्लीट जो मेल्स हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम मस्कुलाइन जेंडर पढ़ते हैं। जैसे कि इसको मस्कुलीन भी बोलते हैं, मस्कुलाइन नहीं बोलते हैं, मस्कुलीन बोलते हैं। जैसे बॉय, फादर, ब्रदर, अंकल। फेमिनाइन जेंडर वो होता है जो फीमेल की पूरी कैटेगरी को डिनोट करता हो, जैसे गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं, फिर वो बहनें भी हैं, फिर वो माएँ भी बनेंगी, वो आंटी भी कहलाएंगी, ठीक है। थर्ड है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर होता है वो बोथ मेल एंड फीमेल को, और जनरली प्रोफेशन को जो है वो दर्शाता है। जैसे कोई टीचर है, सपोज मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचर है, एक मेल भी टीचर होता है, एक फीमेल भी टीचर होती है,
तो वो किस में आएगा? टीचर जो है वो कॉमन जेंडर में आएगा, स्टूडेंट है भी, विद्यार्थी है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, डॉक्टर है, मेल्स भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। ऐसे ही चाइल्ड जो है बच्चा, वो भी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। कॉमन जेंडर के अंदर आपका दिमाग, वो जो आपके दिमाग में चीज आ रही है ना, वो होता है ट्रांसजेंडर। तो हम वहां यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बोथ जो फीमेल भी हो सकते हैं और जो मेल भी हो सकते हैं, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जनरली हम बात कर रहे हैं। जैसे एडवोकेट है वो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है, और आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है वो होता है ट्रांसजेंडर्स। बिल्कुल सही आपने पहचाना, उन्हें कहते हैं हम ट्रांसजेंडर्स। फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर स्पेशली ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लाइक चेयर, टेबल, बॉटल, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, लाइफ लेस होती है वो। वही चीजें पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, अपने चारों तरफ हम जो देखते हैं। आगे मैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है और हम जनरली उनको यूज करते हैं, हमने कभी सुने ही नहीं है। तो देखिए, सोल्जर जो है ना, सैनिक जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। मैन सोल्जर जो है वो सही है। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि हमने कभी सुना ही नहीं कि मैन सोल्जर होता है क्या। बिल्कुल होता है, बस जरूरी नहीं है कि आपने सुना नहीं है, इसका मतलब ये होगा नहीं, ये बिल्कुल होता है जी। मैन सोल्जर बिल्कुल होता है, फीमेल सोल्जर नहीं होता, फीमेल टीचर भी नहीं होता, लेडी टीचर भी नहीं होता। भाई कहने के लिए सही लग रहा है, लेकिन वुमेन या वुमन, वुमेन टीचर हो सकता है, ठीक है, जैसे वुमेन डॉक्टर हो सकता है, लेडी डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, ये हो सकता है। एक वर्ड जो है लेडी, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब होता है जेंटल, किसी लेडी के लिए हम यूज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को, है ना, वुमेन। अब देखिए नेक्स्ट है जेंट्स। जेंट्स नहीं होता है, जेंट्स नहीं होता है, जेंट होता है। जेंट का, जेंट वर्ड जो है ना वो बना है किससे, जेंटलमैन से, जेंटल से बना है जेंट। इसका मतलब होता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो। जेंटल वुमेन बिल्कुल होता है, जेंटल लेडी नहीं होता है, जेंटल वुमेन होता है। वुमेन शूज नहीं होता है, देखिए वुमेन शूज का हम यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हो सकता है वुमेन की बजाय हो सकता है फीमेल शूज, ठीक है। मैन ड्रेस, मैन ड्रेस की जगह हम कर सकते हैं मेल ड्रेस। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ मैन ड्रेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा मेल ड्रेस। फीमेल एसेसरीज, जो भी फीमेल्स यूज करती हैं, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, कॉन्टोर, कुछ भी, वो सब चीजें एसेसरीज में आ गई, या फिर कुछ भी लाइक कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, लेजर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कुछ और आर्टिफिशियल चीजें होंगी, वो सब एसेसरीज में, फीमेल एसेसरीज में आ जाएंगी। मेल शूज बिल्कुल, हाँ मेल शूज होते हैं। और भी बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं, लेकिन अभी इतने जान लीजिए। ये हम कुछ वर्ड्स हैं जो हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं जेंडर्स के अंदर, तो ये हमें जानने जरूरी थे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं एक मिनट के लिए उसको रख देती हूँ। आगे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं और इसमें कुछ एक्सरसाइज ऐड करूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।